बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, अपनी इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम किस तरह से डिफरेंट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। व्यूअर्स, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए हम टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जर्नल एंट्री का सहारा लेते हैं, जिसकी मदद से हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। तो जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए मैं गेटवे ऑफ टैली में से ट्रांजेक्शन्स में के सेगमेंट में से अकाउंटिंग वाउचर को सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट इस वक्त वाउचर की टाइप सेलेक्ट है वो है परचेज, लेकिन मुझे चूंकि जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है व्यूअर्स, इसलिए मैं यहाँ से जर्नल एंट्री को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और व्यूअर्स, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करता हूँ, डेफिनेटली मैं उन एक्सपेंसेस को डेबिट कर दूंगा, उन लेजर्स को डेबिट कर दूंगा जो मैं पे कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने जब अपना चार्ट ऑफ अकाउंट डिज़ाइन किया था तो उस वक्त कुछ एक्सपेंसेस मैंने इसमें रिकॉर्ड किए थे, जैसे कि इंश्योरेंस का एक्सपेंस था, रेंट का एक्सपेंस था। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि मैं रेंट एक्सपेंस पे कर रहा हूँ, तो रेंट को जो ही लिखने के लिए मैं आर ई टाइप करता हूँ, तो रेंट एक्सपेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली जो है वो हाईलाइट हो जाता है। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ और मैं डेबिट कर देता हूँ इसे 2000 से। और रिवर्स क्रेडिट के अंदर अब आपके पास दो ऑप्शन हैं। बेसिकली आप रेंट को पे कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ कैश, और आप रेंट पे कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ चेक या बैंक के थ्रू। तो यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हम कैश की सूरत में रेंट पे कर रहे हैं, इसलिए इसके पैरेलल मैं कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देता हूँ व्यूअर्स। और बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली 2000 रुपये की अमाउंट जो है क्रेडिट साइड पर भी एंटर हो चुकी है, इसलिए मैं इसे एक मतलब फिर एंटर करता हूँ। और नरेशन में मैं रिकॉर्ड करता हूँ पेड रेंट फॉर द मंथ मंथ और व्यूअर्स मैं इसको एंटर करता हूँ। तो मुझसे पूछ रहा है क्या इस एंट्री को एक्सेप्ट करना, मैं इसे येस कर देता हूँ। व्यूअर्स, हमारी एक्सपेंस की एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह, इसी मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी किस्म के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने बिजनेस में। और व्यूअर्स, इसका इंपैक्ट अगर हम देखना चाहें तो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका इंपैक्ट डेफिनेटली हमें नज़र आएगा। और आप देख रहे हैं व्यूअर्स के हमारे पास इस वक्त जो लॉस नज़र आ रहा है वो 2000 रुपये का लॉस, और वो 2000 रुपये का लॉस बेसिकली इस वजह से है क्योंकि हमारा जो 2000 रुपये एक्सपेंस है वो हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, लेकिन अभी तक हमने कोई सेल्स रिकॉर्ड नहीं की, अभी तक हमने कोई रेवेन्यूज़ जो है वो रिकॉर्ड नहीं की, इसी वजह से हमारा जो 2000 रुपये वो लॉस साइड पर हमें नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स, इसी मैकेनिज्म को इस्तेमाल करके आप बाकी के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं।